हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। माय सेल्फ इज कमलेश सरवैया। माय मेल आईडी इज kjsarvaiya08@gmail.com। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और एनी क्वेरी रिलेटेड टू प्रोग्राम, देन प्लीज मेल मी, फील फ्री टू मेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है ना, उसका यूज किस तरह से होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लूप और स्विच केस किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। मीन लूप में क्या आता है, तो लूप में बोले तो फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अगर आपके पास नॉलेज है लूप का, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो पहले आपको लूप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने लूप के बारे में कहीं ज्यादा वीडियो अपलोड की रखे हुए हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो पहले वो आप देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आपको इजी रहेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किस तरह से होता है, ठीक है। व्हाई नीड कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की जरूरत क्या है और किससे साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है। टू स्किप द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज। तो पहले समझिए, हमारे पास एक लूप है, ठीक है। लूप में क्या होता है कि जब तक लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, तब तक हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। और लूप के अंदर जो बॉडी ऑफ लूप है ना, मीन्स के एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो कुछ भी है वो लूप के अंदर है, वो एग्जीक्यूट कंपल्सरी होगी। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन भले ही लूप की ट्रू हो, लेकिन हमें सारे के सारे जो अंदर लिखे गए स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो उस टाइम, उस वक्त हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे लिखे गए जो कुछ भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटेबल, उसे हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जनरली वी यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ लूप। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल हम परफॉर्म करते देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किस तरह से होता है, ठीक है। सेव कर लेते हैं इस फाइल को पहले। continue.c से हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। पहले ये समझिए कि मुझे मेरा नाम है वो 5 बार प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो जनरली मैं तो फॉर लूप का यूज करूंगा। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, उसके अंदर हम नाम प्रिंट कर देंगे प्रिंटेप में। सेव करने से पहले ही एग्जिट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से ओपन कर लेते हैं। तो पहले हमें माउंट करना पड़ेगा डीडी को, डॉस सेल में जाके माउंट डीडी एंड एग्जिट एंड ओपन, हमारा प्रोग्राम मिल गया। तो जो हमारा नाम है वो 5 बार प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। एसके प्रोग्रामिंग 5 टाइम प्रिंट होके आ रहा है। अब मुझे ये कंडीशन भले ही ट्रू हो, लेकिन ये जो पार्ट है नीचे लिखा गया एसके प्रोग्रामिंग, उसे मुझे स्किप करना है। तो वो हम किस तरह से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इफ एल्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ हम इफ का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन का यूज किए बिना मुझे ये जो पार्ट है नीचे लिखा गया एसके प्रोग्रामिंग वो तो इधर रखना है, लेकिन मुझे प्रिंट होने नहीं देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करना है। कंटिन्यू इज कीवर्ड आप देख सकते हो, कंटिन्यू कीवर्ड है इसलिए वाइट हो गया। ए आई एन टी कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड है,
वर्ड कीवर्ड है, इसलिए वो वाइट हो गए। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले इस फॉर लूप के नीचे एक और स्टेटमेंट में प्रिंट कर देता हूँ, आफ्टर लूप। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होता। पहले हमने int i नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए उसमें आ जाएगी कोई भी गार्बेज वैल्यू। ठीक है, 870 में गार्बेज वैल्यू समझ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद clrstr, ये अपनी स्क्रीन को क्या करेगा, क्लियर करेगा। उसके बाद फॉर, पहले इनिशियलाइजेशन होगा i इक्वल टू 1, यानी कि i में जो गार्बेज वैल्यू है उसे वो रिमूव करके ओवरराइड कर देगा 1। ठीक है, i की वैल्यू हो गई अब 1। इस इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5। जब भी हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हो ना, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम हो या फिर इक्वल हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 1 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 5 है, इसलिए लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड है जो फॉर लूप का वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि डायरेक्टली आपका कर्सर आएगा कंटिन्यू पर। जैसे ही कंपाइलर कंटिन्यू कीवर्ड को आइडेंटिफाइड करेगा, वो डायरेक्टली कंटिन्यू पे कर्सर लेकर डायरेक्टली आई प्लस प्लस पर चला जाएगा, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना उसे वो स्कीप कर देगा। कंटिन्यू पे आने के बाद वो डायरेक्टली चला जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले ब्लॉक पे फॉर लूप में। ठीक है, मीन्स के आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस 1 मीन्स 2, आई की वैल्यू हो गई 2। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या हुई 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड जो है फॉर लूप का वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से कर्सर आएगा कंटिन्यू पे, जैसे ही कंपाइलर को कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा वो डायरेक्टली आई प्लस प्लस पर कर्सर को मूव ऑन करेगा, फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3, आई की वैल्यू हो गई अब 3। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5। इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए फिर से कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड जो फॉर लूप का है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से आएगा कर्सर कंटिन्यू पे, कंटिन्यू पे आते ही कंपाइलर फिर से हमारा कर्सर मूव ऑन करेगा आई प्लस प्लस पर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 मीन्स 4। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि आई की वैल्यू है 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स ट्रू, क्योंकि इधर भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए यह कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड जो फॉर लूप का है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से कंपाइलर कर्सर को मूव ऑन करेगा कंटिन्यू पे, कंटिन्यू मिलते ही उसे फिर से कर्सर चला जाएगा आई प्लस प्लस पर, आई की वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस 1 मीन 5, आई की वैल्यू हो गई 5। इस इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू है 5। इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 5 है एंड राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू भी 5 है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू सेम है और हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया है, इसलिए यह कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड है फॉर लूप का वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से आपका कर्सर आएगा कंटिन्यू पे और कंटिन्यू मिलते ही फिर से वो इंक्रीमेंट वाले पार्ट में चला जाएगा, यानी कि कंटिन्यू के नीचे जो लिखा गया ब्लॉक को कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई प्लस प्लस होते ही आई की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 1 मीन्स 6, आई की वैल्यू हो गई 6। इस इंक्रीमेंट के बाद फिर से यह कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है 6, 6 लेस देन और इक्वल टू 5। इधर देखो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए यह कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, यानी ब्लॉक ऑफ कोड जो फॉर लूप का है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली आपका कर्सर इधर आ जाएगा और आएगा प्रिंट पे, आफ्टर लूप प्रिंट होके आएगा। तो आपको कुछ आउटपुट पे ओनली ये मैसेज दिखेगा आफ्टर लूप। ठीक है, तो पहले इसे हम कमेंट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, वार्निंग है चलेगी, रन करते हैं। आफ्टर लूप दिख रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का इधर यूज किया है। कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे जो कुछ भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है ना, अगर उसको आपको स्किप करना है तो आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना है। अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज नहीं करते तो क्या होता, तो
एस्केप प्रोग्रामिंग 5 टाइम प्रिंट होके आएगा और आफ्टर लूप भी प्रिंट होके आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो एस्केप प्रोग्रामिंग, एस्केप प्रोग्रामिंग, एस्केप प्रोग्रामिंग 5 टाइम आ रहा है, उसके नीचे है आफ्टर लूप, ठीक है। तो अगर आपको आपका लूप में जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखे हुए है उसको कुछ स्टेटमेंट उनमें से आपको स्कीप करना है तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इधर एक कंडीशन लगा दूं, इफ आई लेस देन 2, अगर आई की वैल्यू है वो 2 से कम होगी तो ही मुझे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना है, वरना मुझे नहीं करना है। तो क्या होगा इससे, एक बार एस्केप प्रोग्रामिंग कम प्रिंट होकर आएगा, एस्केप प्रोग्रामिंग, एस्केप प्रोग्रामिंग, एस्केप प्रोग्रामिंग, एस्केप प्रोग्रामिंग, यानी कि टोटल 4 बार एस्केप प्रोग्रामिंग प्रिंट होकर आ रहा है और आफ्टर लूप भी प्रिंट होकर आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो अभी छोटा सा एग्जाम्पल है, इसकी जरूरत भी हमें पड़ेगी जब हम एरे पर फोकस करेंगे, तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक वीडियो भी बनाएंगे और रियल टाइम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। आज का वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से जो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे स्किप करता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।